क्यों आहान चला स्मगलिंग की राह में, क्या पुलिस ऑफिसर्स बचा पाएंगे भटके बच्चों को। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आने वाली वीडियो में हम आपको फिल्म बलवान 2 की स्टोरी के बारे में अपडेट देंगे और हम कभी झूठा वादा नहीं करते, इसीलिए आज हम बॉलीवुड के गलियारों से होके आए हैं और आपके लिए नई नई ताजा ताजा खबर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म बलवान की स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में छोटी मोटी हिंट्स जरूर दिए हैं, जिसमें फिल्म के विलन संजय दत्त और बाकी कास्ट की जानकारी शामिल है। और ये भी कहा है कि फिल्म को फुल ऑन एक्शन थ्रिलर बनाया जाएगा और फिल्म को दुनिया के 3 अलग अलग जगहों पे शूट किया जाएगा। और इस फिल्म से हमें काफी लंबे समय के बाद रानी मुखर्जी भी दिखने वाली हैं, वो भी फुल ऑन मर्दानी वाले अंदाज में। फिल्म का ट्रेलर प्लॉट ये होने वाला है कि फिल्म एक अंडरग्राउंड स्मगलिंग के बारे में है, जहां पर टीनेजर्स और अडल्ट्स ड्रग्स का शिकार होंगे। वो लोग या तो ड्रग्स करते हैं या तो ड्रग्स की स्मगलिंग। इस फिल्म में आहान एक नॉर्मल टीनेजर होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कंधे पे फैमिली और पढ़ाई का प्रेशर होता है। और एक दिन उसे उसके दोस्त सजेस्ट करते हैं कि एक पिल जो कि किसी तरह का ड्रग्स होता है उसे खाने से टेंशन से छुटकारा मिलता है। जब वो उस पिल को लेता है तो सच में उसे बहुत हल्का महसूस होता है, मानो उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द चले गए हों। वो कुछ दिन बाद फिर से उसी दोस्त को सेम पिल मांगता है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि फिलहाल तो उसके पास नहीं है और अगर होता भी तो वो नहीं दे पाता क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है और उसने लास्ट टाइम उसको खरीदते वक्त अपना सारा पॉकेट मनी वेस्ट हो गई थी। लेकिन फिर उसका दोस्त बोलता है कि वो ऐसे आदमी को जानता है जो उन्हें ये ड्रग्स के पैकेट दिला सकता है, लेकिन उन्हें उसके अंडर काम करना पड़ेगा। अभी आहान को ड्रग्स के लिए कुछ भी करना हो वो करने के लिए तैयार था, इसीलिए वो उस आदमी से मिलने जाता है जो कि संजय दत्त होते हैं और वो आहान को स्मगलिंग की राह पर भटका देते हैं। फिर आते हैं दो पुलिस ऑफिसर रानी और सुनील, जो स्मगलर को ढूंढ रहे हैं, अपने एरिया के टीनेज बच्चों को भटके राह से खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो बस मेकर्स के हिंट से ली गई इंफॉर्मेशन से जुड़ी है, बाकी इसमें कितना सच है ये हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि बाकी तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।